पहले पार्ट यूपीएससी पूछता ही नहीं है वो चाहते ही नहीं कि पहले पार्ट पे आप उतना फोकस करो सो आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट टॉपर्स व्हाट आई कैन सजेस्ट टू द स्टूडेंट इन आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जनरली वॉट वी डू इज वेन वी गेट द क्वेश्चन वी सडनली जंप ऑन टू राइट आंसर सपोज फॉर यू हैव एक्साम्पल मिनट्स वो नाइन मिनट्स में आपको एक आंसर लिखना है कोशिश करिएगा कि आप सिक्सटी सेकेंड्स क्वेश्चन को समझने में लगाइए लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं अगर वो क्वेश्चन तीन पार्ट का है तो एक पार्ट पहले लिखेंगे कई बार ऐसा नहीं होता पहले पार्ट यूपीएससी पूछता ही नहीं है वो चाहते ही नहीं कि पहले पार्ट पे आप उतना फोकस करो तो सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूंगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू कॉम्प्रिंड द क्वेश्चन एंड इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन यू हैव टू कम्युनिकेट टू द एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वो बस वही देखना चाहते हैं अगर आपको ही क्वेश्चन समझ नहीं आए तो पहले दो लाइन रीड करके आपके आंसर की क्लियर हो जाएगा कि वो चीज आपके समझ नहीं आई है और बाकी सब इट्स अ स्टोरी तो मैं यही कहूंगा कि पिछले पास टॉपर्स का अगर मैं इवेल्युएट करूँ तो ये है कि दे डायरेक्टली जम्प ऑन टू द कॉन्क्रीट थिंग जो पूछा गया है क्वेश्चन